कि उनके आंखों पे से कौन से नंबर्स थे। अभी आपके नंबर्स तो क्लियर है ना, यानी आपको तो पता है कि ये है, अगर नो विजन है तो उसको विजन कैसे बताना चाहिए। क्या हम ये भी कह सकते हैं कि ये वो भी लोग हैं जो डिसीजन नहीं ले सकते अपने लिए? Can you say that? Yes. Right? ऐसे लोग को मैं और एक नाम से बुलाता हूँ, दुखी आत्मा। क्योंकि उसको चाहता है कि मेरे को लाइफ में आगे बढ़ना है, लेकिन साला उसको हिम्मत करने का दम नहीं है अंदर कि मुझे हिम्मत करनी पड़ेगी, मुझे आगे जाना पड़ेगा। I have to go and meet a lot of people. They consider this as a job. Okay, like somebody said, job mindset. किसने कहा था अभी? आपने कहा था, right? Job mindset. उसका दिमाग ही साला job के oriented है। ये तो एक job है, okay, इसमें मैं क्या मिलने वाला है। But he or she is unable to understand that for you to reach a certain level, what you're supposed to do. I don't know whether I shared with this team, जो last session में थे मेरे साथ or not. There's a client of mine. Yeah, his name is, the company का नाम है HK Group, Hare Krishna Group. Okay. ये वही कंपनी जो हर साल अपने employees को गाड़ियाँ बोनस में देती है, घर, हाँ, ढोलकिया वाला, अच्छा, okay? Diamond Merchants. So, सूरत में वो कंपनी है. So that's the only company, that's the only company का factory which was inaugurated by the Prime Minister of India. Okay? So whole level पे वो company का reach है. Okay? So ये जो है अपने कंपनी में सबको ये चीज़ देता है। अब सबसे बढ़िया बात इस कंपनी की ये है कि दिस गाइज इनका जो ईयरली टर्न ओवर जो है ना, विच इज 15,000 crores, साल का कितना है 15,000 crores का टर्न ओवर है सर, एंड इज द हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस इज। तो उससे घर पे उनके जितने भी बच्चे हैं ना, सबके पास आप बोलो वो गाड़ियाँ, लेटेस्ट गैजेट्स, मतलब सारी जो पैसों से खरीदी जा सकती है, ओके, वो सारी चीज़ें उनके पास है। रिसेंटली फॉर कपल ऑफ ईयर्स दे बॉट अ वंडरफुल बंगलो एट वर्ली सी फेस विच इज 40,000 square feet बंगलो। जब मैं वहाँ पे गया, मैं देखा वहाँ से द व्यू, जिस तरीके से वो पूरा घर बनाया गया, इट्स माइंड ब्लोइंग। उनकी फैक्ट्री में जो सूरत में जब वहाँ पर मैं प्रोग्राम करता था, तो दैट्स द ओनली कंपनी फैक्ट्री जहाँ पे मैंने देखा हुआ है कि दे हैव देयर ओन क्रिकेट का ग्राउंड, फैक्ट्री के अंदर क्रिकेट का ग्राउंड बना के रखा हुआ है। सो जो ओनर जो है वो रोज शाम को या तो वहाँ पर क्रिकेट खेलता है या तो वहाँ पर वॉलीबॉल खेलता है, बट एवरी डे ही प्लेज फॉर 1 hour विद फ्यू टीम मेम्बर्स देयर। मतलब इस तरीके का उनका सेटअप है, उनके बच्चे भी वहाँ खेलते हैं। लेकिन उस कंपनी में एक सबसे बड़ा एक रूल ये है कि आप मेरे बच्चे भी हो तो भी आपको सिद्धि गद्दी मिलने वाली नहीं। और उनका सबसे एक जो ट्रेनिंग जो का जो एक किस्सा जो है ना, वो बहुत फेमस है, एंड दैट्स द लेगेसी जो है उनको चालू रखा हुआ है उनके घर के जितने भी बच्चे हैं। ओके, उस लड़कों को बताया जाता है कि अभी 1 महीने के लिए आपको ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना, कहाँ जाना है ये बताया नहीं जाता। उनको बोला जाता है आज रात को या आज दिन में ये बजे, इतने बजे की आपकी ट्रेन है, आप ये स्टेशन पे अपना एक बैग, सिर्फ एक बैग, ओनली वन सूटकेस आप लेकर आओगे, ठीक है? इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं होने चाहिए, आईपैड, लैपटॉप, लैपटॉप कुछ नहीं होगा, ठीक है? सिर्फ आप अपना जो फ़ोन है वो लेके आएंगे और कुछ नहीं होना चाहिए। और वो स्टेशन पहुंचते हैं, उनको नहीं पता कि उनको कहाँ जाना है, कौन सी सिटी में जाना है उनको नहीं पता, हैदराबाद हो गया या बेंगलोर हो गया या कलकत्ता हो गया या हरियाणा में कोई जगह होगी, उसकी जो भी होगी वो ट्रेन की टिकट उसको दी जाती है, वो भी सेकंड क्लास स्लीपर, एसी भी नहीं। और स्टेशन पे उसका फ़ोन जो है वो अदला बदली हो जाता है, यानी स्मार्टफोन में से नॉर्मल स्टैटिक फ़ोन दिया जाता है। दूसरी चीज, वो जिधर भी जाएगा उसे अपना खुद का असली नाम बताने की जरूरत नहीं है, उसको एक फेक नाम दिया जाता है। अभी इस नाम के साथ आपको 1 महीना आपको सर्वाइव होके दिखाना है। उसको पैसे दिए जाते हैं 5,000 rupees कैश, देखो इसमें रहने का बंदोबस्त करना है, खाने का बंदोबस्त करना है, 1 महीने में जीने का बंदोबस्त करना है। लेकिन जब तू वापस आएगा तब तेरे पास अच्छी खासी इनकम होनी चाहिए, ओके?
इट्स मिनिमम इट शुड बी 5 टाइम्स मोर देन दिस. और वो बंदा जो है वो होटलों में काम करता है, कॉफी शॉप में काम करता है. सो वन ऑफ हिज चाइल्ड जो गया था उसकी स्टोरी जो मुझे बता रहा था, लेकिन मुझे एक बार साउथ में भेजा गया था. पहले दो दिन तो मुझे कोई नौकरी मिली नहीं. अच्छा, साउथ में हमारे इतने सारे वेंडर्स हैं कि मैं अगर सिर्फ मैं नाम बताऊं तो मेरे लिए गाड़ी आ जाए. कह रहे सर आप यहाँ पे आकर रुको मेरे पास. लेकिन वो हमारा रूल था कि हमको अलाउड नहीं होगा. और पूरी फैमिली में से सिर्फ एक ही जन के साथ आप बात करोगे. ओके, और वो भी रूल कभी आया जब ये बंदे की स्टोरी में आपको बता रहा हूँ ना, उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी उसके बाद वो रूल आया. तो उससे पहले तो रूल ये था कि एक महीने तक आपका पूरा कट आउट, फैमिली तक आपको टच में रहना ही नहीं है, आप एक बार भी फोन नहीं कर सकते. पहले ऐसे रूल था. सो उसको ये बताया गया था. और बंदे का ऐसा हाल था कि उसको स्टार्टिंग में एकदम फीवर आ गया था, बट ही हैड टू सर्वाइव, ही हैड टू स्टे. ओके, और पहले से ही वो लोग ऐसी हालत में रहे हैं, हमेशा एसी में रहे हैं. ओके, घूमे अच्छी गाड़ियों में, तो वो ट्रैवल से लेके स्टे फिर फूड वैसा तो सब में तकलीफ होने वाली थी. मतलब पहला जॉब मुझे जो मिला वो मुझे मिला एक रेस्टोरेंट में बर्तन साफ करने का, और वो भी वो रेस्टोरेंट जो नॉनवेज सर्व करता है. और मेरे घर में हम लोग कभी नॉनवेज या हम लोग इवन एज ऑफ टुडे कांदा लहसुन भी नहीं खाते. तो दे आर नॉट जैन्स बट दे डोंट ईट कांदा लहसुन. दैट्स द वे दैट दे डू. आज भी उसकी फैक्ट्री में जब मैं जाता हूँ या उसकी ऑफिस में प्रोग्राम होता है तो सबके लिए लंच जब वो बनता है, वो लंच जो है उनका महाराज जी बना के लेके आता है, बट दैट इज ऑलवेज विदाउट अनियन एंड गार्लिक. तो बोलता है हमने तो वैसी जिंदगी जी और हम जब जाते हैं तो हमें ये काम करना पड़ता है. तो काम करने दो दिन के बाद मेरे को तो फीवर आ गया. मैं एक हफ्ते तक काम पे जा नहीं पाया, मेरे को सीवियर फीवर था. मैं डॉक्टर के पास पहुंच जाऊँ मुझे तो पता नहीं आज मुझे डॉक्टर कौन है. और साउथ में लैंग्वेज जो वो लोग बोलते हैं मैं समझ पाता नहीं, और कंडीशन ना मैं घर पर बता नहीं सकता. तो एक हफ्ता मैं सर्वाइव किया एंड आई सेड नथिंग डूइंग. ओके, आई एम अ सन और आई बिलोंग टू अ फैमिली जो इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट किया हुआ है, तो जब उन्होंने इतनी मेहनत की तो मैं क्यों नहीं कर सकता. सेल्फ बिलीव दैट ही डेवलप्ड हिमसेल्फ. उसने फ़ोन करने की कोशिश भी की, बोला मैंने दो बार तो नंबर डायल करके कॉल कर का बटन दबाना भी चाहा, लेकिन मेरे अंदर से मेरी जो वैल्यूज़ जो है, जो मेरी ट्रेनिंग जो है, जो मुझे संस्कार मिले, उसने मुझे अटका दिया कि नहीं नहीं करनी. एंड दैट्स हाउ आई कुड कम आउट ऑफ इट. और जब ये एक महीने बाद फैमिली को मालूम पड़ा तो उन्होंने फिर रूल में थोड़ा सा ट्विक किया कि अभी कोई भी बच्चा जाएगा तो फैमिली में से एक बंदा जो है ना उसके साथ टच में होना चाहिए, पता होना चाहिए उसकी हाल वाल कैसे है कि नहीं है. तब से थोड़ा सा उसमें चेंज हुआ. कहने का मतलब ये है कि आपको गंदी में जब बैठना है सो यू टू प्रूव योर सेल्फ दैट यू कैन डू दैट. आज वो बंदा वहाँ पे कॉफ़ी में या तो कॉफ़ी शॉप में या होटल में काम कर रहा है, तो इज वर्किंग विद दोज काइंड ऑफ पीपल, तो उन लोग का माइंड सेट क्या होता है. फिर वो नेक्स्ट लेवल पर प्रमोट होता है वहाँ पर, तो उसको पता चलता है यहाँ के लोग किस तरीके से बात करते हैं, कैसे कैसे पॉलिटिक्स करते हैं. और ये ट्रेनिंग का खास चीज़ ये है कि जब वो कुछ महीनों के बाद जब उसको वो डायरेक्टरशिप पे वो आता है कंपनी के ओनरशिप पे, उसको पता होना चाहिए कि हर एक लेवल पे लोग किस तरीके से बात करते हैं, कैसे सोचते हैं, किस तरीके से बिहेवियर हमारा होना चाहिए. और तब जाके आप उसमें से अच्छी चीज़ या अच्छी टीम आप डेवलप करोगे, तब जाके आप कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं. सो यही चीज़ हम भी करते हैं. हम उनसे ज़्यादा कठिन करते हैं. हमारी इंडस्ट्री अलग है, वो इंडस्ट्री अलग है. दूसरा एक प्लस पॉइंट ये है कि इट्स एन एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन और ऑल ओवर द वर्ल्ड में उनके पास हंड्रेड्स ऑफ ऑफिसेस हैं, मोर देन 7,000 पीपल आर वर्किंग इन दैट कंपनी. और ये कंपनी पिछले 25 साल से चल रही है. सो ऑफकोर्स वो अलग स्टैंड. हमारी इंडस्ट्री में हमारे जैसा काम करने वाली बहुत सारी कंपनीज जो है वो एक साल दो साल में चालू होके बंद हो जाती है. बट कंसिस्टेंटली दिस कंपनी इज वर्किंग, नॉट जस्ट वर्किंग, इज ग्रोइंग. राइट, आज आप सब यहाँ बैठे हैं, आपके ऊपर खर्चा आपकी कंपनी कर रही है. आर यू पेइंग फ्रॉम योर पॉकेट? नो, इज द कंपनी हुज पेइंग फॉर दैट. राइट, ये बाजू में प्रोग्राम चल रहा है. ओके, स्किल डेवलपमेंट का लेके पूछो व्हाट इज द फीस फॉर टुडे सेशन. इट वुड बी एनीथिंग बिटवीन 2,500 to 5,000 रुपीज अ डे. ओके, एंड देन वो जो ट्रेनर जो होगा उसका वो है. जब मैं करता हूँ ऐसा ओपन प्रोग्राम तो 2-5,000 में भी मैं करता नहीं. So you can understand the kind of money that your company is paying me to do this program.
Juice by that? Juice. So you guys are lucky to have a company like this who's spending money for you, aapki skill development ke liye, taki aap jo hai, grow karo. And of course, when you grow, company also grows. Usme koi wo nahi hai, idhar koi sab cheez mein charity nahi ho rahi. Of course, we have a charity department for the underprivileged people jahan pe hum log karte hain. But majorly, we are looking forward to grow the brands as well. And we would want to create a new mark for the village. Juice by that? Juice. Right? So ye sari cheeze jo aapne bhi batai, ये सारी चीज जो उसको होती है, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन वो ये है कि वो बंदा डिसीजन मेकर नहीं है. बट टेल मी वन थिंग, क्या ये बंदा जो है उसने डिसीजन लिया ऑब्जर्वेशन पे आने का? यस यस और नो? यस. व्हाट वाज हिज ओन डिसीजन? सो मैं आज आप लोग को एक बहुत बड़ा सा एक टूल दे रहा हूँ कि जब आप ऑब्जर्वेशन में किसी को लेके जाओ तो ये चीज आपको जरूर बोलनी. Okay? आपको बातों बातों में जब भी टाइम मिले यू स्पीक अबाउट दिस. एंड द टॉपिक इज, देखिए सब लोग, द टॉपिक इज हाउ टू डिसाइड फास्टर. व्हाट इज इट? क्या है टॉपिक बोलिए? हाउ टू डिसाइड फास्टर. मतलब क्या है? हाउ टू डिसाइड फास्ट. पॉइंट नंबर वन, सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर, जब भी कोई जॉब पे आता है या ऑब्जेक्शन पे आता है, आप सब मानते हो, व्हाट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ एनी पर्सन? मनी. मनी भाई, तो उसको पैसा चाहिए. अब पैसा जो है, जो उसको कमाना है, उसके लिए कौन कौन से ऑप्शन है उसके पास? Suppose I am the person, या आप लोग बात करते हैं, भाई जरा खड़ा हो. What is your education qualification? 12. Okay. So अगर मैं तुझे ये बोलूँ कि तेरे पास क्या क्या ऑप्शन है लाइफ में पैसे कमाने के, तो तू क्या बोलेगा? किसी के अंदर वर्क करना एंड अपने फैमिली से हेल्प लेके खुद का बिजनेस करना. या तो बिजनेस शुरू करूँ या तो किसी के अंदर काम करूँ. अब मैं तुझे बोलूँ कौन सी इंडस्ट्री या कौन सी स्पेसिफिक स्ट्रीम में तू काम कर सकता है, तो कौन सा रहेगा? या तो कोई फैक्ट्री में चला जा, yes, right? या तो तू कोई डॉक्टर के यहाँ पे असिस्टेंट बन जा, बराबर? Yes. Yes or no? Yes. Yes. या तो कोई अकाउंटिंग या कोई और फॉर्म में तू वहाँ पे भी असिस्टेंट में काम कर सकता है, फाइनेंस का, अकाउंट लिखने का, या तो फिर मे बी यू कैन बिकम अ राइडर एंड डिलीवर स्टफ लाइक दैट, वो भी हो सकता है. या तो फिर सुबह सुबह तू वो जो बहुत सारी जो मेहनत करनी पड़ती है, यू नो लाइक पीपल दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, यू नो, एंड आई रियली विश कि उनको ये अपॉर्चुनिटी मालूम पड़े तो उनकी लाइफ भी चेंज हो सकती है. वो सुबह सुबह जो अखबार डालते हैं, वो जो दूध पहुंचाते हैं, दे आर वेरी हार्ड वर्कर्स, राइट? उनके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर मिल जाती कि वो लोग भी अपने, बिकॉज दे ऑल्सो वर्किंग दिस काइंड ऑफ हार्ड टू मेक मनी, यस और नो? यस. सो या तो हम ऐसे कुछ काम करें. यस सर. यू ऑल एग्री विद मी? यस सर. सो बेट, सबसे पहला तो ये ऐसा एग्जांपल आप दे सकते हैं किसी को. समझो कोई बंदा आता है अपनी टीम में, बोलते हैं मैंने एमबीए किया हुआ है या मैंने बीबीए किया हुआ है, राइट? यस और नो? मिलते हैं हमें, राइट? अब एमबीए किया है तो हम उसको पूछ सकते हैं, भाई तू बता कौन सी इंडस्ट्री में तू काम कर सकता है या कौन सी ऐसी स्ट्रीम में काम कर सकता है, पहले मुझे ये बता. हम पूछते हैं तो क्या जवाब मिलता है? कौन सी इंडस्ट्री होगी ये? कोई भी कंपनी, जैसे प्रेफरेंस तेरा क्या होगा? एडवर्टाइजिंग में जाएगा, मीडिया में जाएगा, यू नो यू गो टू सम बिग फोर कंपनीज, व्हाट वुड दैट बी? एग्जांपल अगर ऐसा है तो बेसिकली एमबीए करने के बाद कोई भी कंपनी जो होती है वो मार्केटिंग में ज्यादा जाते हो
वहाँ पे जब आप काम करते हो, सो अगेन वहाँ पे भी तो बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, उनके भी अलग अलग क्या बोलते हैं क्लाइंटेल्स होते हैं. जैसे एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में अगर मैं बोलूँ, कोई कंपनी जो है जो क्रिएटिव में काम करती है, कस्टमर रिलेशनशिप का एक टीम होता है, फिर एक बिजनेस डेवलपमेंट टीम होता है, फिर एक होता है बैक ऑफिस, फिर एक होता है क्रिएटिव्स, फिर एक होता है स्ट्रेटेजिक प्लानर्स, राइट? ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट. सो व्हिच वन वुड यू प्रेफर टू बी देयर? आई थॉट सो आई एम इनटू यू नो वेरी गुड इन कम्युनिकेशन, सो आई थॉट आई विल डू द मार्केटिंग. ओके, सो अगर आप मार्केटिंग में हो एंड इफ यू वुड वांट टू ग्रो, डू यू थिंक दैट यू नीड टू वर्क इन ऑल द डिपार्टमेंट्स? सारे डिपार्टमेंट्स में कभी ना कभी कुछ एक्सपीरियंस होगा, तब जाके आपको ग्रोथ मिलेगा. या एब्सोल्युटली राइट, तब आपको बड़ा ग्रोथ मिलेगा, या तो वही डिपार्टमेंट में आप आगे बढ़ सकते हैं. डिपार्टमेंट्स के अगर मैं थोड़ा सा नॉलेज अगर पास में, तो इन द फ्यूचर में वो सारे डिपार्टमेंट्स को हेड कर सकते हैं. और वो उधर पहुंचने के लिए कितना समय लग जाएगा अंदाजा? इट विल टेक सो मेनी इयर्स. हाउ मेनी इयर्स? फॉर एग्जांपल, इफ आई स्टार्टेड इन वन कंपनी, सो माइट बी आई थॉट सो इफ आई हैव अ गुड परफॉर्मेंस, सो मिनिमम 5 इयर्स. 5 इयर्स अच्छा काम कर रहा हो तो, अगर इफ नॉर्मलाइजली कर रहा हो तो भी 8-10 साल तो लग जाएगा. सो दैट्स अ गुड पॉइंट. आई ऑल्सो नीड टू आस्क यू वन मोर थिंग के डू यू नो हैव यू हर्ड और रेड अबाउट एनीथिंग के पिछले कुछ सालों में इन इंडिया हाउ मेनी न्यू कंपनीज हैव पीपल लाइक ऑफ यू नो ओनर्स ऑफ द कंपनी, हाउ मेनी न्यू एंटरप्रेन्योर्स प्रोप्राइटर्स और पार्टनरशिप फर्म्स हैव स्टार्टेड? डू यू हैव एनी आईडिया ऑन दैट? Definitely, because there is a lot of businesses in India now. अच्छा उसने आदमी रखा, तू बोल तुमसे बोल कहाँ को लेके आया आप, बस ऐसा कोई देख रहा हूँ वहाँ क्यों बोले जब नहीं मालूम. हाँ बोल मनीष. जो 5000 करोड़ का टर्नओवर करता है, नॉट रियली, इट्स अबाउट 200 करोड़ जब भी कोई पहुँचता है. ओके, 200-500 करोड़, एवरी कंट्री इज डिफरेंट. सो इन शॉर्ट, व्हेन दे आर ग्रोइंग विद सर्टेन परसेंटेज ऑन एवरी ईयर, so after couple of years or 3 years down the line, उनको एक unicorn घोषित किया जाता है. So that's what it is. Anyway, so अगर कोई unicorn कंपनी में आप काम कर रहे हो, तो आपको आपका फ्यूचर जो है वो ज़्यादा ब्राइट है, बिकॉज आपको कंपनी के स्टेक्स मिलते हैं. बट ऑफकोर्स इनिशियली आपको कुछ मिलता नहीं है, आपको सैलरी भी नहीं मिलती, प्रैक्टिकली नहीं मिलती, बिकॉज द कंपनी इज लुकिंग, कंपनी मार्केट में आई है एक आइडिया के साथ, फंड्स नहीं उनके पास, आइडिया है, दे कैन डेवलप समथिंग नाइस, बट दे डोंट हैव फंड्स टू एग्जीक्यूट दैट. यानी वो ड्रीम है कि हम ये सब बना सकते हैं, लेकिन वो विजन में कन्वर्ट करने के लिए उसको पैसा चाहिए, रिसोर्स चाहिए और उसका बायर चाहिए, जिसके लिए जो कंपनी के फाउंडर्स प्लस वो जो टीम जो है वो लोग साथ में मिलकर उस पर काम करते हैं. एंड एवरीबडी इन दैट कंपनी इज अ पार्टनर ऑल्सो, एवरीबडी इन दैट कंपनी इज अ सीईओ ऑल्सो, एवरीबडी इन दैट ऑफिस इज अ प्यून ऑल्सो. क्योंकि वो छोटे से जगह पे काम करते हैं, तो साफ सफाई खुद को करनी पड़ती है, सब कुछ खुद को करना. आर यू विद मी? यस सर. राइट, सो दैट इज व्हाट द काइंड ऑफ लाइफ व्हाट दे विल बी स्टेइंग. सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन आस्क देम. एंड यू शुड नो कि इंडिया में पिछले 2 साल में कितनी यूनिकॉर्न कंपनीज हुई है. यू नो दैट? नो आईडिया. ओके, सो आपका फर्स्ट आज का होमवर्क ये लिखिए, होमवर्क फॉर टुडे, हाउ मेनी unicorn companies in India? How many unicorn companies are there in India? आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि नॉलेज नहीं होता है बंदे को. वेरी गुड पॉइंट. ओके, बट लेट मी टेल यू, जब मैं बोलता हूँ, अगर मैं निशान को ऐसे बोलूँ कि निशान तुझे नॉलेज नहीं है यूनिकॉर्न कंपनीज की, ये मैं उसको फिंगर पॉइंट कर रहा हूँ. तीन उंगली किसके सामने आ रही है? मेरे पास नॉलेज है. जब आप बोलते हो अपने बंदा ने क्यों छोड़ के चला गया, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है. आपके पास नॉलेज नहीं था उसको हेल्प करने के लिए, उसको गाइड करने के लिए, दैट हाउ ही कैन टेक द डिसीजन फास्टर टू
be in this company and go home and convince their parents and share the knowledge that how many companies are there in India to unicorn bani. How many companies are there in India jahan pe logo ko mauka milta hai that they can grow much faster? How many companies are there in India which has a quick growth structure along with the hard work and along with the smart work? जब तक आप ये नॉलेज के अंदर पास नहीं करते ऑब्जर्वेशन देके, आप उनको डिसीजन लेने के लिए इतना क्या बोलते हैं इजी उनके लिए लाइफ नहीं करते, क्योंकि वो क्या सोच के आया था, एडवर्टाइजिंग कंपनी, ठीक है, और चैरिटी कंपनी, यहाँ पे आई हैव टू लर्न समथिंग एंड आई विल बिकम एक्स वाई जेड पर्सन एंड आई विल मेक सो मच ऑफ मनी, यही बेसिक थोड़ा होता है. लेकिन वो जर्नी उसको एक्सप्लेन करने के लिए मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग जस्ट बाय दैट कोई भी जॉब कर रहा है या कोई भी आ रहा है वहां पे उसको बेसिक क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान और मोबाइल फोन का रिचार्ज अरे उसको साला डेटा के लिए पैसा चाहिए, इंटरनेट चाहिए, वाईफाई चाहिए, वो चाहिए, आईफोन चाहिए, वो सब चाहिए. लेकिन हेलो आज की जिंदगी में क्या हो गया साहब, रोटी तो चाहिए, कौन सा रोटी चाहिए, बटर रोटी चाहिए, बटर नान चाहिए साहब, उसको आज लच्छे को खिलाएंगे, ठीक है. फिर कपड़ा, पहले कपड़ा कोई भी चले लेकिन अभी कौन सा चाहिए, ब्रांडेड. फिर क्या चाहिए, मकान, अब मकान कैसा होना चाहिए, तुम डिसाइड करो कभी चाहिए, वैसा उन लोग का थॉट. ये सर नो, ये सभी लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है. सो दैट्स व्हाई द फर्स्ट पॉइंट इन दैट जो मैं आपको आज टॉपिक दे रहा हूँ मैं, हाउ टू डिसाइड फास्टर, में फर्स्ट पॉइंट आता है लिमिट योर ऑप्शन, लिमिट योर ऑप्शन. यानी कि जब भी आप ऑब्जर्वेशन के साथ बात कर रहे हो तो आपको उसको ये बताना है, आपको उसके ऑप्शन को लिमिट कर देने हैं. व्हाट तो देख बस, ये करेगा तो ये होगा, ये करेगा तो ये होगा, ये करेगा तो ये होगा, और हमारे यहाँ पे अगर तुझे जॉब मिल गई तो ये होगा. तो दैट्स अ पॉइंट नंबर वन. चूज बाय दैट. सेकंड पॉइंट, ड्रॉ अ लाइन बिटवीन good choice and bad choice. Draw a line between good choice and bad choice. इसका मतलब क्या हो गया, क्या मतलब हो गया इसका, हाथ ऊपर कीजिए, बताइए मुझे जी. डिफरेंस बताना किस चीज का, एग्जाम्पल दे, गुड चॉइस और बैड चॉइस एग्जाम्पल दे. फॉर एग्जाम्पल गुड चॉइस बोले तो जैसे, हाँ जैसे कोई बाइक में परचेज करो तो उसका रेटिंग देख के उसके हिसाब से मैं अच्छी बाइक को लूंगा. रेटिंग देख, वेरी गुड पॉइंट, रेटिंग देख, गुड पॉइंट रेटिंग देख के. ओके, अब ये रेटिंग जो है, रेटिंग कौन देता है, रेटिंग पब्लिक, पब्लिक यूजर्स, दैट्स व्हाट दे डू, राइट. सो अभी गुड चॉइस और बैड चॉइस में फर्क कहाँ पे आता है आपके जीवन में, जैसे आपने कहा ना बचपन से वो टीचर ने दिमाग में डाल के रखा है तूने वाला, राइट. तो जैसे हम लोग भी जब बच्चे थे स्कूल में गए थे, कौन कौन गया था स्कूल में, हाथ भी ऊपर करो तुम लोग, राइट. सो स्कूल में जब गए थे वो टाइम पे आपको सभी ने पूछा होगा बड़ा होगा क्या बनेगा, राइट, क्या बोला था, इंजीनियर. तुमने इंजीनियर, तुमने क्या बोला था, डांसर, पुलिस ऑफिसर, लॉयर, ओके, सीए. अभी नया क्या है बताए, यूट्यूबर, यूट्यूबर गेमर, यूट्यूबर, एनीवे, राइट. लेकिन लेकिन हम जहाँ काम कर रहे हैं और जिस तरीके से हम लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, क्या कभी ये बोला था मैं बड़ा होकर सेल्स पर्सन बनूंगा,
But let me tell you one thing. Everybody is selling. Whether it's a YouTuber, whether it's a lawyer, whether it's a dancer, everybody is selling that I have the best dancer. You know, give me an opportunity. Okay? I'm the best lawyer. I can give you the right kind of solutions. Okay? I'm the right kind of chartered accountant who can help you to save your money. We all sell. Yes or no? Yes, sir. Right? So selling is everybody is doing that. So good choice or bad choice, what difference kahan pe aata hai? अभी जैसे सी ए को आप प्रोफेशन मानते हो, लॉयर को आप प्रोफेशन मानते हो, यानी कि आपने कुछ पढ़ाई की है जो बाकी सबसे थोड़ी ज्यादा है, जिसके लिए आपको इज्जत ज्यादा मिलेगी. यस और नो? यस सर. सो इन द प्रोफेशन ऑफ सेल्स एज वेल, क्या आपने अपने आप को अपग्रेड किया हुआ है क्या? अगर आप अपग्रेड नहीं करते हो तो आपको भी वो रेटिंग तो मिलने वाली नहीं. अच्छा, आपको कैसे रेटिंग मिलेगी? जब आप कुछ ऐसी बात करोगे तो सामने वाले ने सुनी तब जाके. जैसे मैंने आज आपके आकर आप सबको मैंने एक टास्क दिया कि एक स्टोरी बनाओ. कितना टाइम लगा एज ए टीम एक स्टोरी बनाने के लिए? 5 मिनट्स लगा. अब स्पेसिफिक टास्क मैंने आपको दिया, स्पेसिफिक टाइम दिया, तो आपका ब्रेन जो है वो ज्यादा एक्टिव हो गया. आप सभी लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया एंड यू कैन केम यू एंड समबडी फ्रॉम द ग्रुप केम अप विद द स्टोरी. यस और नो? यस सर. अब इसमें से कुछ स्टोरीज हमने पहली बार सुनी, कुछ पहले सुनी थी, लेकिन कुछ तो नहीं मिली हम लोगों को. यस और नो? यस. नाउ जब ये नई चीज हम किसी को सिखाते हैं, बताते हैं, तो क्या होता है उससे? सामने वाला इंप्रेस होता है. yes, मैंने आपको आइंस्टाइन का स्टोरी बताया, वो मजा आया. समथिंग न्यू. वैसे आज हम लोग वैसी कुछ नई चीजें सीखेंगे और भी. तो कुछ भी जब नया सीखते तो हमें अच्छा लगता है, राइट? और जब अच्छा लगता है तो वी लाइक टू बी विद दैट पर्सन फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम. जूस बाय दैट? जूस. सो जब आप ऑब्जर्वेशन में किसको लेके जाते हो, सो योर जॉब इज टू गिव देम समथिंग न्यू एट द सेम टाइम प्रोवाइड देम द राइट काइंड ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज. दैट इज माय सेकंड पॉइंट. ये था ड्रॉ अ लाइन बिटवीन द गुड थिंग, गुड चॉइस एंड बैड चॉइस. ओके, सो यहां पे आपको अपना एग्जांपल देना है. व्हाट कुड हैड बीन द बैड चॉइस फॉर यू? ओके, What could have been the bad choice for Nishant? For example, Nishant ne agar apne family walon ki baat suni hoti, so what could be the bad choice for him? 100%. Nahi, actually, this is the last piece. If I, agar maine maa ki baat suni hoti, then definitely main kahin na kahin pe abhi, starting to 14,000 rupees tha mere paas, us waqt mein jab main 21 saal ka tha, tabhi 14,000 ke saal mein thi. Abhi kitna hua? 47, 48 years? बाहर भी गया था कितना थोड़े दिनों के लिए, बिकॉज वी डोंट हैव अ चॉइस दैट मोमेंट. मेरे पास में मैं स्टार्ट भी कर दिया था काम एक जगह पे. एक मार्केटिंग कंपनी थी जो वसई में, बहुत सारे लोगों ने काम किया इंडस्ट्री एरिया में, तो उसी इंडस्ट्री एरिया में मैं काम करने गया था. वो पता है बिल्डिंग्स के अंदर खिलौने होते, ये रहते झूला और रहता ना किंडर गार्डन रहता है ना, उसमें झूला होता है और ये बेचने का काम करता कि न्यू कंस्ट्रक्शन में जाने का, उधर जाके उसको कन्विंस करने का कि बाय दिस. क्या क्या नाम था कंपनी का? कंपनी का नाम सर याद नहीं मेरे को अभी, बट इट्स लाइक लोखंड की कंपनी. इवेंट वन डे ओनली, सो मैं एक दिन हां बताओ. ये वसई में था, वसई में ईस्ट में अरियंत. हां सही बोल अरियंत. अरियंत मेरा क्लाइंट है, मेरे को मालूम. नहीं एग्जैक्टली अरियंत है वो, अरियंत इंडस्ट्रियल. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि वो उसके अंदर वो बड़ा नाम है उसका. एंड उसका जो मेन था ना, आई मैं पिच किया था उसको एंड ही गेट सो इंटरेस्टेड, इतना इंटरेस्ट हो गया कि ही गिव मी ऑफर. बट तभी तो मैं कंप्लीट बिजनेस में था, बट सिचुएशन आर देयर. और वो मोमेंट में ऐसा मोमेंटम आ गया था कि सब ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे था, हो भी गया था. एंड आई वेंटेड कि अभी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. उसने मुझे ऑफर किया था 15,000 रुपये. एंड बट उधर एक दिन बैठने के बाद, एक दिन काम करने के बाद ऐसा लगा तो क्या कर रहा हूँ मैं अभी, क्या जिंदगी भर तक ऐसे बेचूँ? आई डोंट फील सो गुड यू नो, बिकॉज ऑफ द रीजन. हमको कैसा होता है तुम लोगों को मालूम है अपना काम कैसा है ना. सो उसके बाद गॉड ग्रेस चक्री घूम गई एंड वी स्टार्टेड दिस थिंग.
एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड आई एम वर्किंग दिस प्लेस बिकॉज अगर लिटरली मैं अगर रहता हूँ वहाँ पे तो माइट भी मुझे 35,000 रुपये होती सैलरी उस प्लेस पे क्योंकि मैं अच्छा बेच पाता था बट आई डोंट थिंक सो लाख रुपये के ऊपर मैं बना पाता कभी भी वहाँ पे आई टेक राइट चॉइस उधर कन्फर्म जॉब था मीन्स बड़ी कंपनी थी और गारंटी था बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर था बड़ा ऑफिस था एंड कितने सारे एम्प्लॉयज काम करते थे बट हमने स्टार्ट किया था मैं और लीला सर थे और वो भी दूसरे के ऑफिस में थे और so he is giving example of the right choice this is why that yes. I'm sure aap sabhi ke life mein aise situation aaye honge not related to just job it could be for the education it could be choosing the friends also okay it could be buying something for your loved ones right choice bad choice yes or no yes, yes sir okay. so wo bhi aap wahan pe relate kar sakte ho with this one are you with me yes so jab tak aap ye relate nahi karoge na they will not have that knowledge to talk to their parents because parents will share their knowledge okay wo bolte dekho mere ko is company mein kaam mila hai jahan pe bhi to go to the lecture up dekho isliye bada maine gandu sala because he doesn't know the father or the mother they don't know and they are concerned about their child yes or no yes sir and that's why they are also not wrong but jab tak unko wo right choice aur bad choice ke bare mein pata nahi chalega wo education knowledge jab tak aap nahi doge tab tak unko malum padne wala nahi hai Ravi bhai yes sir I'm sure with this quarter ye jo points mein ko bata raha hu if you speak with that 25% yani ki 400 observation 100% recruit okay so 300 tha kitna tha 400 400 aur usme se टोटल 500 400 प्लस 100 500 में से आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो 100 हां 100 100 वेलकम राइट 100 वेलकम एंड 20% आप एक्सपेक्ट कर रहे हो टर्नओवर आई गारंटी यू इफ यू यूज व्हाट आई एम टीचिंग यू टुडे यू विल क्रॉस 30% ऑल ऑफिसेस इन मुंबई इटसेल्फ नेक्स्ट ईयर इज डेफिनेटली इजीली पॉसिबल प्रोवाइडेड यू फॉलो द डिफरेंस बिटवीन ड्रीम एंड विजन इज दिस Dream is to have 500 observation and 100 welcome. That's the dream. Vision is that I am definitely going to have more than 30% conversion. That sir, is more than 150 people I'll have. ये दो तीन points से कोई भी अपने से बड़ा भी रहे, questions आते हैं, information आता है, कोई भी कुछ भी रहे, वो easily handle हो सकता है। नहीं और ये तो मेरे को मैं तेरे को अभी stage 1 दे रहा हूँ ना। अच्छा, पर stage 1 में भी आ रहा है, आ रहा है। अभी recently जन्माष्टमी गया ना? जन्माष्टमी में मटकी फोड़ने के लिए क्या करना पड़ता था? ये तो मैं पहला नीचे का ग्राउंड में तैयार कर रहा हूँ तो बेस है और अभी उसके ऊपर का आएगा राइट पूरा दिन बचा हुआ यू नो आई एम विद दैट थॉट प्रोसेस एंड हाउ वी कैन वर्क ऑन दैट चूज बाय दैट ओके देयर वाज सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट लिसन टू योर गट फीलिंग लिसन टू योर गट फीलिंग Listen to your gut feeling. यहाँ पे आपको अपने गट फीलिंग के बारे में एक्सपीरियंस शेयर करना है और अगर तुझे लगता है कि हाँ ये बंदा वाकई मेरे लिए लीडरशिप मटीरियल है तो उसको भी गट फीलिंग उसका जो है वो उसको सुनाओ okay? Then what is his dream? वो ड्रीम कैसे अचीव कर सकता है कौन कौन सी चीज कर सकते हैं जिससे किसका ड्रीम अचीव हो सकता है जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात किया तो व्हाट काइंड ऑफ पाथ यू विल चूज कितना साल लगेगा वहां पहुंचने के लिए ओके तो वैसे एग्जांपल से सर आपको रिलेट करना माय गट फीलिंग वाज दैट आई विल रेडी टू हार्ड वर्क सो दैट आई कैन बिकम अ ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन इन अ वेरी शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम बट अगर जल्दी से जल्दी आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ेगा तब जाके आप वो चीज कर सकते हो अरे मीन यस सर तब जाके Next point, point number 4. Now this one line जो मैं आपको देने वाला हूँ ये fourth point, ये आप सभी को first day पे कुछ भी हो जाए ये तो बोलना ही है, okay? Think of your time, as money. Think of your time as money. अभी एग्जाम्पल के हिसाब से अगर हम बात करें तो पैसा अगर आपके पास 100 रुपया है तो या तो आप 100 रुपया वहाँ इन्वेस्ट करोगे जहाँ पे आपको 5% रिटर्न मिलता है
या 10% मिलता है या 50% मिलता है, या तो एटलीस्ट आपको सेम कैपिटल अमाउंट वापस मिलना चाहिए, लॉस में नहीं रहना चाहिए. आई विल मी उतना तो बुद्धि सभी में है. सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू एक्सप्लेन देम, कि आप जब पहली बार जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट करोगे अपने टाइम को, वुड यू वॉन्ट 5% रिटर्न, 10% रिटर्न और 50% रिटर्न? The 50% return. Now, if you say 50% return, do you agree that the risk also has to be a little higher? Yes. मैं आपको पूछूं, what do you think? Yes. Yes. Risk has to be higher? Yes. Yes. Right? When you take the higher risk, chances are कि आप उसमें success भी हो जाओगे और fail भी हो जाओगे. Right? लेकिन अगर मैं आपको sure shot, आपको कोई ऐसा tip मिलता है कि sure shot 50% return मिल जाएगा, then what will you do? क्या फिर भी आप किसी को कंसल्ट करोगे? नहीं. क्या करोगे? इन्वेस्ट कर लोगे? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर इन. श्योर शॉट. आर यू विद मी? यस यस. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर. श्योर शॉट. सो व्हेन यू टेल देम दैट इन्वेस्ट योर टाइम एज योर मनी, आप कहीं पर भी जाओगे 5 साल से 10 साल के बाद आप एक लेवल पे पहुंच सकते हो, उसके बाद आपको एक डेजिग्नेशन मिलेगा और आपका सैलरी बढ़ेगा, उससे ज्यादा अलावा और ज्यादा कुछ होने वाला आदर. यू कैन बिकम द ओनर ऑफ योर ओन पर्टिकुलर लाइफ बाय वर्किंग लिटिल हार्डर देन एनीबॉडी एल्स आउट देयर इन द मार्केट. आर यू विद मी? यस सर. ओके. अब वो बोलता है हार्डर का मतलब क्या? वो तो हार्ड वर्क करने को तैयार. हायर रिटर्न हैव अ हायर रिस्क. ये पॉइंट डिलीवर करने के बाद आपको हायर रिटर्न ही मिलेगा, तो आप सोचोगे दो बार या सीधा चले जाओगे उसके साथ? एग्जाम्पल उनको दीजिए. For example, a company like Reliance, फिर कोई आपको बोलते हैं कि जियो कंपनी का आप शेयर खरीद लो, शॉर्ट शॉर्ट उनका 25% जो है तो होने वाला है अगले 2 साल में, तो आप करोगे कि नहीं करोगे? या आप ये बोलोगे 2 साल में को देखते दो, कंपनी ने ग्रोथ किया तो मैं करूँ? आप ये भी कर सकते हो, बट 2 साल के बाद कोई रिटर्न 25% की आपको सिर्फ 3% या 4% मिलेगा, चलेगा आपको? क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप करते हो वो टाइम पे आपको ज्यादा स्कोप है. सो वो टाइम पे अगर उसको स्ट्रॉन्ग है तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा. द वे ही है सेलिब्रेटेड द वेडिंग, उसके बच्चे की शादी जिसने की हुई है, सलाह बच्चे की शादी से पहले जो फंक्शन होता है वो भी शादी जैसा फंक्शन. ओके. और कितने सारे अनगिनत रिसेप्शन, कितने सारे लोग को कहाँ कहाँ से बुलाया, सिर्फ उसको शादी में आने के लिए बुलाने के लिए उसको पैसा दिया. Right? Now that's the kind of money power that you have. अगर उस तरीके का lifestyle भी जीना है, you need money for sure. And money जो है, वो सबके जैसे काम करके नहीं आने वाली है. You have to do something different in what other people are doing. If you be in your comfort zone, you will never be able to grow. You see that? Yes. And this is the company which gives you that opportunity. I still don't know whether today evening you're going to get selected. Okay? So I'm just sharing with you something which is important. जो मुझे हेल्प किया, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आया. क्या कर रहे हैं हम लोग? ये डायलॉग क्यों माना जरूरी है? I still don't know whether you'll get selected today or not. What is that? Why? Why is it needed? No, more than curious. He needs to understand before he comes next day. He needs to understand that I am blessed to have this opportunity. And he will put his 100% in that. I don't want anybody coming tomorrow with 99.9% commitment. Okay? Because कभी कभी कंप्यूटर के अंदर 0.1% वायरस घुसता है ना, सारा पूरा 100% को उड़ा के लेके जाता है. तो मेरे को नहीं चाहिए वो 0.01% के साथ जो बंदा है. I want either he comes with 100% or he doesn't come at all. Are you with me? Yes. That's the point. Point number 5. Decisiveness, D-E-C-I-S-I,
VENESS, decisiveness, grows, GROWS, grows with each decision. Decisiveness grows with each decision. यानी कि जब आप जीवन में डिसीजन लेना शुरू करते हो तो आपके अंदर डिसीजन लेने की क्षमता जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है. कुछ एज तक आप पूछते हो, राइट? कुछ एज तक आप सलाह लेते हो, बाद में आपको खुद को डिसीजन लेना पड़ता है. अब इसका एग्जांपल है, बहुत सिंपल है. जब आप पैदा हुए तभी ना टाइम देखते थे ना जगह देखते थे, जहाँ दिल के वहाँ पे मुंह दिया. जैसे आप थोड़े बड़े हुए तब आपको सिखाया गया कि यहाँ पे नहीं बेटा, वहाँ बात की जाएगी, ठीक है? अगर आप अभी भी करता है तो ओपन जगह वो अलग बात है. कभी अभी तो सर टॉयलेट में करता है, आया तो तभी. कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, सो फिर आपको सिखाया गया कि आप बताइए, जब आपको जाना होता है हम आपको लेके जाएंगे. थोड़े और बड़े हुए तो बताया गया कि आप खुद अपने हाथ भी अपने ही से ही कर सकते हैं, राइट? फिर बताया गया कि हाउ टू कीप योरसेल्फ हाइजीन, नीट एंड क्लीन, ताकि आपको कोई बीमारी ना हो, एंड दैट्स हाउ. फिर अभी आपको पूछने की जरूरत पड़ती किसी को घर पर, बाथरूम जाने का टाइम हो गया, जाओ क्या? नाउ इट्स योर डिसीजन. Just like that, this company gives you the power of knowing when to decide, what to decide, with certain responsibilities in place. Okay? तब जाके आपको एक ये भी सिखाया जाता है, जो IIM में भी आपको experiment के साथ practically नहीं सिखाया जाएगा, vocational दिया जाएगा, but here we teach you those things as well. So if you have somebody with the MBA degree, right? उसको भी आप ये जब बताओगे थोड़ा सा डिबेट होगा, तो नहीं वहाँ पे प्रैक्टिकल होता है तो फैंटास्टिक, राइट? तुमने मार्केटिंग किया ना, कौन सा प्रोजेक्ट किया तुमने? बोलता हमने प्रोजेक्ट किया था, वो फेविकॉल कंपनी में गए थे, वहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से वो फेविकॉल कंपनी काम करती है, कैसे वहाँ पे वो होता है. मतलब ये बता, फेविकॉल कंपनी का जब ग्रोथ हुआ, राइट, वो जो भी तू कंपनी में था उस कंपनी का जर्नी बता दे, कभी शुरू हुआ, आज के तारीख में कंपनी का ग्रोथ जो है हर साल कितना परसेंट बढ़ा, मेरे को इतना बता दीजिए, बाकी सब छोड़ो. वो तो अभी मुझे बता, नहीं पता होगा, दैट्स ओके. तेरा ये आज का टेस्ट उसके ऊपर नहीं होने वाला, चिंता मत कर. पर कहने का मतलब है, हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस. और तू जो बता रहे ना, वो तू वो एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया होगा, लेकिन जो उसका ओनर रहेगा, क्या उसने सिर्फ वो एक डिपार्टमेंट के ऊपर काम करेगा, विच इज मार्केटिंग? नो, ही हैज टू लुक इनटू एवरीथिंग. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू. इफ यू आर सिलेक्टेड, देन आई विल बी एबल टू इन्वेस्ट माय टाइम एंड एनर्जी इन यू टू डेवलप यू, टू गाइड यू, टू मेंटोर यू एंड टू ट्रेन यू. यूज बाय दैट, राइट? सो दैट ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू बी विद यू टुमारो एज वेल, डे आफ्टर टुमारो एज वेल. You need to brand yourself. इतना सर बात कर दिया तो उस लगी गई इतनी सर, लेकिन क्या खतरनाक नॉलेज है इसके. इट्स अ फैक्ट, नो, इसे बोलने के लिए नहीं है. यहाँ बैठा वो हर एक इंसान के अंदर वो नॉलेज है, वो बोलते ना, वो पागलपन है, वो जिद है, करना ही है. और वो जिद जो है ना, पहले सिर्फ एक दिन को तो पता नहीं चलने वाली है, लेकिन वो पता ही चलेगी जब पहले दिन में आप जो बात कर रहे हो उससे आपका एक्चुअल पावर मालूम पड़ रहा है. अपनी कंपनी का नाम क्या है? एवेंजर, राइट? So, Avenger मतलब क्या? What is Avenger? Savior. यानी कि उसके पास क्या था? उनके पास? Power. कौन सा power? Super power. Correct. You all have super power within yourself. Super. I can see that. Somebody is fantastic in communication. Somebody is fantastic in the energy. Somebody is fantastic in explanation. Somebody is great in presentation. Somebody is great in never giving up. Somebody is there to stand strong. Okay, chahe kitna bhi negative aaye, salaam main nahi hatne wala. You know, somebody is so bloody. You know, bolte na wo zid aisi hai. Isara team nikal gaya na, hard mein gaya, naya team develop karega.
right? And she was just telling me while having the breakfast, and I was on the other call, and she told me. And now you, how many people in your team? 10 people. Choose by that. Now that's the superpower. She went back to zero. Yeah. And she built once again. That's the superpower. And Sare trainers. Abhi. Yeah. Amazing. And the do you think you uske family mein ya aaju baju log ne nahi bola hua kya pagal hai kitne saal se kar rahe chhodna abhi pati bolte hain ha bada nahi pati kya karne ke liye kya kar rahe hain pagal hai itna sahi tu pati aise bolta hai kya usko super power malum nahi tha abhi pata lagta usne dikhaya nahi wo super power now he will be able to see that visualize that you know and that's the beauty of it that's the beauty of yes yes so हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ सुपर पावर दैट्स व्हाई यू गाइस आर हियर टुडे है ना सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट एंड लास्ट पॉइंट ये भी उनको बोलना इन डिसीजन INDECISION इन डिसीजन यानी डिसीजन नहीं लेना सो इन डिसीजन किल्स अगर आप डिसीजन लेने के काबिल नहीं है इट विल किल यू एंड योर फ्यूचर सो इन डिसीजन किल्स अभी ये जो मैंने आपको ये जो पॉइंट्स दिए ना ये ब्रेक में मैंने इसका एक छोटा सा आर्ट वर्क इला सर को ऑलरेडी मैंने फॉरवर्ड कर दिया है फिर भी आप बोलोगे हमको क्यों लिखा फिर बिकॉज मेरा ये हमेशा मानना है अगर चोपड़ी में है तो खोपड़ी में So unless you write it down, it will not get into your brain. So मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब ये बात करो तो आपको इस तरह से मिले आपको इंदिरा सर जो है वो फॉरवर्ड कर देंगे यही पॉइंट वापस से ताकि आपको और थोड़ा सा बेहतर जो है वो सामने रहे आपके एंड मे बी यू कैन शो दिस टू देम एज वेल जूस जूस ऑलराइट सो दिस वाज फर्स्ट पॉइंट व्हिच आई वांट टू टॉक टू यू टुडे सो अबाउट हाउ यू कैन हेल्प समबडी टेक डिसीजन ओके अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर ओके